क्लास सेवन के लिए चैप्टर टेन की अब हम बात करेंगे, जिसका नाम है फॉर्म्स इन एचटीएमएल। अब ये फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स बेसिकली वेब फॉर्म्स। आपने अलग अलग वेबसाइट में बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, चाहे वो कॉलेज की वेबसाइट हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट हो। फॉर्म्स का एक ही काम है, आपके द्वारा डेटा को इनपुट लेना। लेट से कोई टेक्स्ट फील्ड है, जब आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो एक फॉर्म वहाँ पर फिल करते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, जब आप किसी स्कूल की वेबसाइट में जाते हैं, जब किसी कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं तो फीडबैक टाइप करते हैं। तो इस तरह के फॉर्म बनते कैसे हैं, तो वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैंने बात करा फॉर्म बनाने की। फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं, फॉर्म को डिज़ाइन करना, फॉर्म को स्ट्रक्चर करना, और फॉर्म सबमिट होने के बाद प्रोसेस होना। तो प्रोसेसिंग फ़िलहाल हम इस चैप्टर में नहीं सीखेंगे, उसके लिए एक अलग लैंग्वेज जो कि PHP का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ केवल और केवल दिखने वाला फॉर्म हम लोग बनाएंगे, जिसमें टेक्स्ट फील्ड्स होंगे, चेक बॉक्सेस होंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, टेक्स्ट एरिया होगा, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो केवल सामने दिखाई देंगे यूज़र को, लेकिन अगर आप इनको सबमिट करेंगे तो सर्वर पर हमारी जानकारी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो ये मेरा सैम्पल कोड है, पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो, HTML टैग के अंदर हेड टैग और बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हम अपने फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो फॉर्म को डिफाइन करने के लिए फॉर्म टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टॉप लेवल का टैग है, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, केवल फॉर्म टैग को लिखने से फॉर्म थोड़ी ना बन जाता है। तो फॉर्म टैग के अंदर जो पहला टैग है जिसको हम लोग सीखेंगे, उसका नाम है इनपुट। तो मैंने इनपुट लिखा, और किस तरह का इनपुट, क्या मुझे टेक्स्ट इनपुट चाहिए, क्या पासवर्ड वाली फील्ड चाहिए, क्या चेक बॉक्स चाहिए, क्या रेडियो बटन चाहिए। तो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे टेक्स्ट बॉक्स से। तो हम टाइप एट्रीब्यूट को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, और टाइप में टेक्स्ट, अगर हम इसको सेव करेंगे और रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी टेक्स्ट फील्ड आती है, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अच्छा, इस टेक्स्ट फील्ड का साइज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेस लगा करके एक और एट्रीब्यूट टाइप करेंगे जिसका नाम है साइज़, और 30। अब ये 30 जो वैल्यू है, इसका मतलब है कैरेक्टर में विड्थ। तो आप देख सकते हैं 30 कैरेक्टर विड्थ का हमारा ये फॉर्म स्केल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है मैक्स लेंथ। अगर इस एट्रीब्यूट को हम टाइप करेंगे, और यहाँ पर लेट से मैंने स्पेसिफाई किया 15, मैक्स लेंथ मतलब इस फील्ड में अब केवल और केवल 15 कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने टाइप किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर रुक जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा ना, जब नेम फील्ड होती है तो वहाँ सर्टेन लिमिट्स होती हैं कि आप 25 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ी नेम लिमिट नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये लिमिट आप मैक्स लेंथ से सेट करते हैं। तो ये आपका इनपुट टैग था जिसका टाइप था टेक्स्ट। अब कुछ और इनपुट टाइप्स को हम लोग देखेंगे। जो दूसरा इनपुट टाइप है आपकी बुक में, उसका नाम है पासवर्ड। तो मैंने इनपुट लिखा। बाय द वे, आप देख सकते हो इस इनपुट टैग का कोई पेयर नहीं है। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, कई ऐसे टैग्स होते हैं स्टैंड अलोन होते हैं, कई ऐसे टैग्स होते हैं जो एम्प्टी टैग कहलाते हैं, जिनका कोई पेयर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे टैग पेयर में होते हैं। तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ, और मैंने यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई किया। इस बार टाइप है पासवर्ड। तो ऑब्वियसली आपके सामने एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें जब आप टाइप करोगे तो आपको डॉट्स 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 इस तरह के कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो इस फील्ड से आप अपनी पासवर्ड वाली फील्ड को स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से यूज़र नेम, जो आपका यूज़र नेम होगा, नीचे पासवर्ड वाली फील्ड, यहाँ पर आप पासवर्ड फील्ड को स्पेसिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड को लिमिट कर सकते हो कि मुझको जो यूज़र है वो 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का पासवर्ड ना टाइप करे। जो दूसरा इनपुट टाइप है वो है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन का मतलब होता है एक बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना। तो वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं? तो रेडियो बटन्स टाइप करने के लिए हम कुछ सारे ऑप्शन लिखेंगे। लेट्स से सब्जेक्ट्स टू चूज़ फ्रॉम, ओके, ये टेक्स्ट मैंने लिखा।
यहाँ पर एक बी आर टैग मैंने टाइप किया, बी आर मतलब लाइन ब्रेक, मतलब इस टेक्स्ट के बाद ही हमको लाइन ब्रेक मिलेगा। और लेट्स से फिजिक्स, ये एक सब्जेक्ट है, लेट्स से केमिस्ट्री ये दूसरा सब्जेक्ट है, लेट्स से मैथ्स, और लेट्स से कंप्यूटर। तो लेट्स से आपके सामने एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। तो वहाँ पर जब किसी एक ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं बहुत सारी लिस्ट में से, उस इनपुट टाइप को हम लोग रेडियो इनपुट टाइप करते हैं। कैसे उसको क्रिएट करेंगे, तो फिजिक्स के आगे मैंने अपने कर्सर को रखा जो टेक्स्ट है, और यहाँ पर इनपुट टैग का यूज़ किया, और यहाँ पर टाइप को मैंने स्पेसिफाई किया रेडियो। तो अब यहाँ पर चेकबॉक्स अपीयर होगा इस फिजिक्स वर्ड के सामने। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा बीआर यानी कि लाइन ब्रेक हमको देना पड़ेगा, लाइन ब्रेक की वजह से ये जो केमिस्ट्री है दूसरी लाइन पे आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम रेडियो स्पेसिफाई करते हैं किसी भी इनपुट को, तो नेम एट्रीब्यूट टाइप करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नेम में मैंने टाइप किया सब्जेक्ट, तो ये नेम टैग, ये एट्रीब्यूट हर फील्ड में कॉमन होगा। अगर आप ये नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करोगे तो हर ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स हर ऑप्शन सिलेक्टेबल होगा, ठीक है। तो नेम बहुत मस्ट है और ये नेम कॉमन होगा इन सभी में। तो फिलहाल मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ भी कॉपी किया। तो कॉपी करने से आप देख सकते हैं कितना टाइम हमारा बच रहा है, और सेव किया। तो अब अगर मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख के आ रहा है सब्जेक्ट्स टू चूज़ फ्रॉम, आइदर फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और कंप्यूटर, जो कि है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट। तो बाय द वे आपने देखा एक बार में एक ही इनपुट यहाँ पर अलाउड है, और ये प्रॉपर्टी है रेडियो बटन की, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब नेम कॉमन होगा सभी इनपुट टाइप्स में। सिमिलरली इनपुट टाइप रेडियो के बाद अब हम बात करेंगे चेकबॉक्स की। तो यहाँ पर टाइप को हम स्पेसिफाई करेंगे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का मतलब सीधा सीधा होता है मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर हर जगह पर हम चेकबॉक्स कर देंगे जहाँ जहाँ रेडियो था। तो अभी किस तरह का इनपुट हमें मिलेगा आप गेस करेंगे, हमको मिलेगा कुछ इस तरह का इनपुट जहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। आई वांट फिजिक्स आल्सो, आई वांट केमिस्ट्री आल्सो, आई वांट मैथ्स आल्सो एंड आई वांट कंप्यूटर आल्सो, ओके। और यहाँ पर सबके आगे बी आर लगा था, इसीलिए ये एलिमेंट्स एक के नीचे एक यहाँ पर अपीयर हो रहा है। बी आर मीन्स लाइन ब्रेक, और ये भी एक एम्प्टी टैग है, ये भी एक स्टैंड अलोन टैग है। अपने कर्सर को यहाँ पर रखते हैं, कुछ आगे की चीज़ें देखते हैं। अब बात करेंगे इनपुट सबमिट बटन की। सबमिट मीन्स मैंने फॉर्म अपना फिल कर लिया, नेम फिल कर लिया, सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, फाइनली इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट के लिए एक सबमिट बटन हमें यहाँ पर चाहिए, तो वो कैसे जनरेट करेंगे, हमने फिर से इनपुट टैग का इस्तेमाल किया, टाइप में सबमिट। तो सबमिट बेसिकली क्या करेगा, एक ऐसा बटन है जो आपके फॉर्म को सबमिट कर देगा सर्वर पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की फॉर्म की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, इसीलिए फॉर्म आपका वापस रीसेट हो गया, ओके। यहाँ पर सिर्फ फॉर्म देखने के लिए हम लोग बना रहे हैं, वी आर जस्ट सीइंग द फॉर्म एज इज़, वी आर नॉट प्रोसेसिंग द फॉर्म। उसी तरह से एक बटन होता है रीसेट बटन, तो यहाँ पर हम एक बी आर का यूज़ करेंगे तो बटन नीचे आएगा। तो इनपुट टाइप इक्वल्स रीसेट, तो आप गेस करेंगे रीसेट बटन क्या होगा। रीसेट मींस अगर कोई भी फॉर्म मैंने फिल किया है और मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी से सब फील्ड्स को इरेज करना, तो अगर मैं रीसेट क्लिक करूँगा तो एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। तो यहाँ पर एक बीआर हम लगा देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस हमें मिलेगा। तो रीसेट से बेसिकली इरेज होता है सब कुछ, सबमिट से आपका फिल्ड फॉर्म सबमिट यानी कि सर्वर पर अपलोड होता है। फिलहाल हम लोग अपलोडिंग की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो पीएचपी जैसी लैंग्वेज से किया जाता है, और भी लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बटन,
ठीक है, बहुत सारे बटन्स होते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो बटन्स को क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं। तो मैंने बटन टैग को टाइप किया, और बाय द वे ये पेयर में आता है, ठीक है। और बटन में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट ओवर हियर, तो ये बटन का लेबल होगा। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं बटन जनरेट हुआ जिसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं। और बटन के अंदर एट्रीब्यूट होता है एक्शन, तो एक्शन का यूज़ करके हम लोग इस बटन को एक्शन दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपका बटन हो गया। मैं दो बार यहाँ पर लाइन ब्रेक दूंगा, यानी कि दो बार br। कुछ और टैग्स की हम बात करेंगे बटन के बाद। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट एरिया की। ये तो सिंगल लाइन में अगर आप टेक्स्ट फिल करते हैं तो वहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं। अगर बहुत सारा टेक्स्ट आपको टाइप करना है, जैसे कोई फीडबैक हो गया, कोई लेटर हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक देते हैं, तो जब बहुत सारा हमें टेक्स्ट टाइप करना है तो अपने कर्सर को फॉर्म टैग के बाहर रखेंगे। अब जिस टैग की हम बात करेंगे उस टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया। तो जैसा कि इसका नाम है, हमको बहुत सारा एरिया मिलेगा टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। तो मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बन के आ रहा है। अब इस बॉक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को हम कंट्रोल और कैसे कर सकते हैं, तो टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग टैग में मैं गया, और यहाँ पर रोज़ को मैंने किया लेट से 4, सेव किया, रिफ़्रेश किया। आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ मैंने 4 कर दिए। और COLS कॉल्स यानी कॉलम्स को मैंने 20 कर दिया, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको लेट से 40, तो आपका बॉक्स थोड़ा सा कॉलम की तरफ से बड़ा हो गया, और रोज़ की वजह से बॉक्स आपका थोड़ा सा हाइट में बड़ा हो गया। तो टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके आप इस तरह के बॉक्स को डिफाइन करते हैं जहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टैग है आपकी बुक में, जिसका नाम है सिलेक्ट टैग। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं कई वेबसाइट में, जब आप उन लिस्ट को क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू अपीयर होता है, जैसे कि ये एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे कि ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है। तो इस तरह की लिस्ट आप अपनी वेबसाइट में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। चलिए इन सबको इरेज कर देते हैं। और सिलेक्ट बिना स्पेलिंग गलत किए इसको भी सिलेक्ट मैंने क्लोज किया। अब ये तो मेरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर होते हैं ऑप्शंस, तो सिलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्शन, ओके। तो ऑप्शन के अंदर होता है टेक्स्ट, तो यहाँ पर सम टेक्स्ट हियर, चीटिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको डुप्लिकेट मैंने कर लिया, सेव किया, मैंने रीलोड किया, तो आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पर आ रही है जिसको आप जब क्लिक करते हैं तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसा खुलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि साइज़, तो अगर मैंने साइज़ इक्वल्स 2 किया और सेव किया, तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है अब दो लेवल तक डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, दो, एक लाइन और दो लाइन। अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो ये 3 लेवल्स तक ये लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी, और बाकी ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो फिलहाल हम साइज़ को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मुझे केवल लिस्ट चाहिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल, अगर मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखा है मल्टीपल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लिस्ट में। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो चैप्टर नंबर 10 में कुछ इसी तरह के टैग्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। आप इन्हें प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, और हाँ, नोटपैड प्लस प्लस अगर आप चाहें तो गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं।
Thank you for watching this video. I hope you like it.